Drinking is injurious to health. ईगल टीवी के ओनर द ग्रेट जेपी, पूरा नाम जय प्रकाश नारायण। नमस्ते सर। नमस्ते। आज आपका ईगल टीवी दूसरे पोजीशन पर है, इतने कम समय में दूसरा पोजीशन बहुत बड़ी बात है, इसका क्या राज है सर? जिस चीज को पाना है उसे पाने से पहले रुको मत, और हर काम के लिए सही आदमी को चुनना जरूरी है। सही आदमी का चुनाव करते ही आधा काम खत्म। That's why I select right man for the right job. मुझे दिन में 8,008 घंटे की जरूरत होती है। सर मैं कुछ समझी नहीं, दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, मेरे अंडर 10 लोग हैं, उन 10 लोगों के अंडर 999 लोग काम करते हैं, तो इन हजार लोगों का दिमाग मेरे लिए 8 घंटे काम करता है, तो कुल 8,000 और साथ में मेरे 8 घंटे, उन्हें जोड़ के हुए 8,008 घंटे।
एक वेज नूडल्स। मुझे एक वेज सैंडविच। मुझे भी एक वेज सैंडविच। एक वाटरमेलन जूस। और एक एप्पल जूस। मुझे भी एक एप्पल जूस। नहीं एप्पल जूस नहीं, ऑरेंज जूस। मुझे भी एप्पल जूस नहीं, वही ऑरेंज जूस। लाइन मार रहा है। अभी बताती हूँ उसको। ए जाने देना। हेलो क्या है, क्या चाहिए? मस्ती चढ़ी है क्या? अगर मैं चाहूँ तो 2 सेकंड के अंदर तुम्हें ईव टीजिंग केस में अंदर कर सकती हूँ। जबान नहीं है क्या? ओह कुछ तो बोल के दफा हो जाओ। I love you. हाँ? सोचा था जिससे शादी करूंगा उससे पहले 3 शब्द यही बोलूं। कौन से शब्द? अभी तो बोला I love you, सुना नहीं? दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? पागल हो क्या? अच्छा कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना। बिल्कुल नहीं। सच्ची मुच्ची नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। थोड़ा पीछे जाके याद करो। नहीं जानती। उस काउंटर के पीछे जाके याद करो। पीछे का मतलब वहाँ नहीं, यहाँ यहाँ फ्लैशबैक में, याददाश्त में। हेलो, आगे पीछे कहीं भी याद करूँ, बस इतना है कि पहले कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं है। मुझे तो भूल चुकी हो पर इसको तो जानती हो ना। गौर से देखो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, ये कुछ और है। ए प्रिया इसके सामने क्यों झूठ बोल रही हो? ये वही तो है जो तुमने मुझे दिया था। 6 महीने से इसे साथ में लेके घूम रहा हूँ। बस करो, इसे अंदर रखो। बहुत बुरा लगा प्रिया। तुम इस 6 फुट के आदमी को भूल गई लेकिन इस 6 इंच की चीज को नहीं भूल पाई, ऐसा क्यों प्रिया? पहले तूने बोला इसे जानती नहीं है पर इसको देखने के बाद तेरा बर्ताव ही बदल गया। तुम दोनों के बीच जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। हमारे बीच में कुछ भी नहीं। तुम्हारा है। शक बिल्कुल सही है। तुम चुप रहो। तुम चुप करो। आप बताइए। तुमने मेरे दिल की बात जान ली। जितनी बार भी देखोगे वही वजन बताएगा। नहीं नहीं इस मशीन पर मत चढ़ो। नहीं चढ़ो मतलब? तो फिर मैं वेट कैसे करूंगी? इस पे चढ़ोगी तो ये वजन नहीं बताएगी। तो फिर क्या बताएगा? ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं, कतई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे जरूरत नहीं है ये बात तुम्हें कैसे पता? मुझे ही नहीं दुनिया को पता है कि आपको इस चीज की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो क्या सिर्फ तुम्हें ही जरूरत है? अभी नहीं लेकिन शादी के बाद 2-4 बच्चे हो जाए उसके बाद आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। नो यस। इस मशीन के बारे में आप नहीं जानती। मुझे सब कुछ पता है, मैं जानकर इस मशीन पे चढ़ी हूँ। क्या मालूम है आपको? हाँ। जानती है? हाँ। माँ लेकिन आपको इसकी? मुझे नहीं चाहिए पर मुझसे शादी करने वाली की यही डिमांड है। शादी से पहले वो सब कुछ जान लेना चाहता है। तो
तुमने क्या बोला? ओके बोल दिया। ओके, वो गलत है। इसमें गलत क्या है? शादी के पहले पक्का गलत है। ओहो, कोई गलत वलत नहीं, जाओ यहाँ से। देखो बात को समझो प्लीज, ये गलत है। सुनो, पागल हो गया हो क्या? जाओ। वेट, मेरे जाने के बाद डाल देना। अगर मुझसे शादी करने वाला मेरा हाइट वेट जानना चाहे तो गलत क्या है बोलो? अच्छा तुम थोड़ा यहीं रुको, मैं मेंटल हॉस्पिटल वाले को यहीं भिजवा देती हूँ। सिर्फ मेरे लिए ही ये बार बार क्यों आ रहा है? सर बुरा मत मानिए, लेकिन अगर आप इस मशीन पर अपना वजन करेंगे तो क्या सर, मजाक नहीं कर रहा है, लेकिन एक गुत्थी सुलझा रहा हूँ। आइए आ जा। वाह, वाह, ये सब क्या है? सर तीन बार इस मशीन पर चढ़कर उतरा हूँ, हर बार एक ही आता है, लेकिन आपके चढ़ने के बाद एक साथ 10 आगे देखिए। अब देख तू, मैं बताता हूँ तेरी क्या हालत करता हूँ। सर 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 प्लीज 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 वहाँ देखिए, सर उधर भी देखिए ना। ये क्या? क्या है कैमरा सर? सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर, सॉरी। इन्होंने मुझे टीवी पर दिखा दिया और कहीं मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं मेडिकल शॉप पर जाता हूँ सरदर्द की गोली लेने, तो मुझे कंडोम थमा देते हैं। ये सब इसकी वजह से है, इसकी वजह से। ओके सॉरी, ऐसे सॉरी बोलते हैं क्या? ओके सॉरी, सॉरी बहुत हो गया। अरे रुको, सुनो तो ये सॉरी और ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे प्यार करो। ऐसे में तो हर तीसरे आदमी से मुझे प्यार करना होगा। हर तीसरा आदमी तो आपसे प्यार नहीं करेगा ना, और वो भी 6 महीने से। तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता क्या? तुम्हारे पल्ले पड़ा? सुनो अब जाओ यहाँ से। मतलब तुम्हारे किए की वजह से मेरी इज्जत गई, मेरा रुतबा गया, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, इस सब का तुम हर्जाना दोगी? मेरी बात क्या हुआ? मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया तूने? नहीं मैंने नहीं, उस लड़की ने किया, उसने उसने किया। अरे औरत होके कोई औरत को छेड़ रहा है क्या? हाय व्यूअर्स, आपकी उषा। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज प्रिया उषा की ड्रेस पर ध्यान दिया, सभी स्पॉन्सरशिप पर है, और हम भी तो उसी चैनल में काम करते हैं। कभी मिला हमको कुछ? कोई स्पॉन्सर हमें कुछ नहीं देता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसके आने से टीआरपी रेटिंग्स टॉप पे है। टीआरपी टॉप पे उसकी वजह से नहीं है, टॉप के टीआरपी प्रोग्राम्स में वो है क्योंकि एमडी का और उसका चक्कर है। हेलो उषा, तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक्स डियर। तुमने तो मेरा नाम भी नहीं पूछा। सॉरी सॉरी, अपना नाम बताएं। गुरु। गुरु सर, क्या आप किसी से प्यार करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। किससे? तुम उस लड़के को जानती हो? क्या मैं उसको जानती हूँ? हाँ, वो तुम्हारे साथ चैनल में काम करती है। कौन है वो? बहुत खूबसूरत है। कौन है कौन है? प्रिया। प्रिया, प्रिया से प्यार करते हैं? पूरे दिल से। प्रिया के बारे में जानती हूँ, वो किसी से प्यार नहीं करती। ये सच है, 100% सच है, एकदम सच है। तो प्रिया से ही बात करो। हेलो 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 हेलो, तुम्हारी फ्रेंड शर्मा रही है। क्या समझते हो अपने आप को? मैं कल ऑफिस कैसे जाऊंगी? मेरी इज्जत खराब कर दी तुमने। तुमने मेरी इज्जत उछाली, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया? ये क्या है? किसी लड़की को इस तरह की तस्वीर दिखाते हैं क्या? दिमाग नहीं है? उल्टा चोर डांटे कोतवाल को। जानती हो सबका कारण कौन है? तुम। मैं? हाँ तुम, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। फ्रेंड जरा इधर आना, मेरी बात सुनो। पिछली बार 6 महीने पहले, इस बार 4 महीने पहले। Ha ha ha.
मोबाइल है देख लो उधर क्या उधर क्या नहीं हमें पेंट चाहिए और ये क्या इधर पीछे तो क्या पूरा देश मुझे ऐसे देखेगा तुम क्यों जहाँ मैं प्रोग्राम करती हूँ वहाँ जाके खड़े हो जाते हो मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ तुम वहाँ प्रोग्राम क्यों करती हो ओफो अब क्या करूं इसको कुछ बोलोगे भी तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी दफा हो जाओ प्रिया तुम्हारे रास्ते में न तो मैं आता हूँ न तुम मेरे रास्ते में आती हो फिर भी हम टकरा जाते हैं ऐसा क्यों ये इत्तेफाक नहीं है ए, रुक जाओ रुक जाओ ये क्या अरे ये मैंने नहीं खरीदा वही तो चुराया है तुमने यहाँ से ये वो ये उस लड़की ने मेरे बैग में डाल दिया था 2000 का सामान खरीदा उसने 10 रुपए की चॉकलेट चुराई की क्या ये चल उठा रहा हूँ उसको ये लगा प्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए यही लोग कपड़े स्पॉन्सर करेंगे मेरे पहचान के हैं ओह थैंक यू यू वेलकम गुरु वन मिनट रुको जरा रघु इनका स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए चलो यहाँ से क्यों क्या हुआ ओफो, इस तरीके से मैं नाप नहीं दे सकती हूँ देखो ये इसका काम है तुम डरो मत ये मेरा दोस्त है रिलैक्स होकर नाप दे देना नहीं बिल्कुल नहीं घबराओ मत शांत हो जाओ नैना अब तुम जा सकती हो गुरु ये है प्रिया मेरे बहन की जैसी है और ये है मेरा दोस्त गुरु हाय सब काम निपटा के चैनल में आ जाना ओके बाय गुरु बाय मेरा नाप बताती हूँ नोट कर लो 34, 25, 36 हम रेडीमेड नाप से काम नहीं करते हैं कुछ उसूल है हमारे परफेक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और वैसे भी कॉस्ट्यूम पर बहुत खर्चे होते हैं इसलिए नाप जरूरी है मुझे टच किए बगैर नाप लोगे टच किए बगैर कोशिश करता हूँ थर्टी फोर पॉइंट हो गया अब जा सकते हैं आश्चर्य की बात है क्या इन सबका जन्म आज की तारीख में हुआ है नहीं नहीं यहाँ पर किसी को पता नहीं तो साल में एक दिन फिक्स करके सभी का जन्मदिन एक ही साथ मनाते हैं हाय हेलो हाय वेट वेट सबको मिलेगा मुझे भी सभी मुझे एक ही किस्म के कपड़े पहने सबको उन्हीं के साइज के कपड़े मिले हैं इस बार है ना सब तेरी वजह से मेरी वजह से हाँ पिछले महीने जो तूने आश्रम में प्रोग्राम किया चैनल में वो देखने अक्सर लोग अपनी खुशी के लिए 2-3 साइज के कपड़े देते हैं पर इन्होंने बच्चों की खुशी के लिए खुद यहाँ आके सबके नाप के हिसाब से कपड़े बनवाए हैं वो उस तरफ है देखो वहीं पे है वो तू जाके मिलना उसे देख वहीं है जा
टीवी सीरियल की तरह अचानक बदलाव। मुझे अच्छी तरह से जानने के बाद ही उसने मुझसे प्यार किया। जैसे जिंदगी के बारे में मैंने सोचा था, ठीक वैसे ही जिंदगी गुरु मुझे देने वाला है, इसका मुझे विश्वास नहीं। तो यस आई लव हिम। जो उसने बोला था कर दिया। तेरे नाल पहली बार दिया दिल मुझको सोनी कुड़ी तू भाग गई रे। देखा था मैंने जब तुझको यार धड़का ये दिल, दिल पे मेरे बेखुदी सी जा छा गई। आजा आजा गोरी मुझसे प्यार कर ले, आजा तू मिटा दे दिलों के फासले। ऐसे न बहकना खुद को संभालो, सुनो तुम बात मेरी सब्र से काम लो। मेरा पागल है, दिल मेरा जिद्दी है, दिल की मान ले। मेरे यार जीवन भर तेरे बिन मुझसे भी न जिया जाएगा। तन मन मेरा तेरे ही लिए है, सब कुछ मेरा तेरा हो गया। दिल भी ले ले जा भी ले ले, तेरे ही नाम मेरा जीवन हो गया। मैं भी बेचैन हूँ तू भी बेताब है, प्यार से यार तू बाहों में भर ले। जा जाने जा तू पूरे कर अरमा, तू दिल को ना रो
आजा मेरी बाहों में आजा आ आ आजा बाहों में आजा एक साल बीत गया है पर अभी तक तुम उसे भुला नहीं पाए हो चल प्रिया जैसी लड़की अब कभी वापस नहीं आएगी हमारे आश्रम को रोशनी प्रिया ने ही दिलाई तुम्हारे साथ प्रिया के नहीं होने का अकेलापन भगवान दूर करेगा ऑफिस जा रहा हूं हाँ सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो यह जरूरी नहीं वक्त आने पे पता लगेगा जिस दिन तुमने दम तोड़ा था उसी दिन उसी वक्त मैं उसकी जान लूंगा सर मिनिस्टर ज्ञान सिंह लाइन पर है नमस्कार मंत्री जी नमस्ते जेपी अभी मेरे कुछ लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे भाई तुम्हारी वजह से ही मानो जैसे कोमा से मेरी पार्टी बाहर निकली हो भाई सब तुम्हारी मदद की वजह से ही तो हुआ है तुम्हारे चैनल की मेहरबानी की वजह से हुआ है ये सब बस इतना कहूँगा कि तुम्हारी वजह से हम लोगों के दिल में फिर से बैठ गए हैं देखो जेपी तुम्हारी वजह से मेरा बहुत काम सुधरा है बस अब यही चाहता हूँ कि आगे भी साथ देते रहो तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी बिल्कुल सर आपसे मिलने कोई इंस्पेक्टर आए हैं वेरी गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर गुड मॉर्निंग सर बोलिए एक छोटा क्लेरिफिकेशन चाहिए टेल मी आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट दर्ज की है सर हेलो गुड मॉर्निंग नो 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 नॉट बिजी एट ऑल आप बोलिए हाँ बस आप थोड़ी देर वेट कीजिए ओके सर हाँ हाँ बोलो बोलो ठीक है फिर मैं बाद में बात करता हूँ देवा को फोन लगाओ हेलो हाँ एक मिनट सर से बात कर लो हाँ देवा कहाँ है वेजिटेबल सैंडविच बना रहे हैं कोई प्रॉब्लम है बताओ ना मुझे खत्म हो जाएगी जल्दी भाग तुम लोगों से बचने के लिए तो यहाँ इतनी दूर आके रहने लगे अब जाओ यहाँ से हमें जीने दो यहाँ से जाओ अगर चैन से जीना है तो यहाँ नहीं जी पाओगे मेरे बीवी बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो ठीक नहीं होगा हाँ भगवान अली उठा लो सबको जरा सॉरी इंस्पेक्टर हाँ कहिए ना आपको कुछ कहना था ना सर
किसी दौलत राम ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। टीवी में न्यूज देखते हैं। इसके बारे में उनकी बीवी कुछ बताएगी। कुछ 3 साल पहले हुए हादसे में मेरे पति के दिमाग पर असर पड़ा है। इस वजह से हर रोज कोई बखेड़ा करके आते हैं। यहाँ पे बड़ा इंडस्ट्री आएगा बताते हैं, पर बीच में हमारे घर के होने की वजह से उनको कुछ अड़चन है। असल में जेपी सर बहुत अच्छे इंसान हैं। इस जमीन की कीमत बस 15 लाख की है, पर जेपी सर ने 30 लाख देकर हमारी मदद की है। हाँ कहिए इंस्पेक्टर, आप कुछ कह रहे थे। मेरे ख्याल से इस केस की फाइल क्लोज कर दी है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं उसे लेके पहुंचता हूँ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हेलो। ईगल टीवी के एमडी मिस्टर जेपी से बात कर सकता हूँ। हाँ जेपी है। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी बैड मॉर्निंग जेपी। कौन बोल रहा है? इस वक्त तेरी घड़ी में 10 बजे हैं। ठीक 12 बजे तेरी मौत पक्की है। क्या? मैं ही मारूंगा तुझे। hey, फोन रख पे। क्या हुआ सर? कोई जोकर मुझे मारने की धमकी दे रहा था। सर पर ये तो आपका पर्सनल नंबर है। हेलो जेपी, तू विश्वास नहीं करेगा, ये मुझे पता था। ये तेरा और कॉन्फिडेंस है। मैं ये करने वाला हूँ और इसकी एक छोटी सी झलक। अगले 20 सेकंड में तेरे 4 चैनल्स में अंधेरा छा जाएगा। तू खुद देखेगा अपनी आंखों से। हेलो हेलो, कौन है जो मेरे पर्सनल नंबर्स बाहर दे देता है? नहीं 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 सर, मैं नहीं सर। सर मैं मेरी बीवी को अपनी सारी बातें बता देता हूँ, लेकिन मैंने आज तक आपका नंबर नहीं बताया। यही एक सीक्रेट है सर जो मैंने मेंटेन किया है। They told me to call it quits. They told me it couldn't happen. Oh no! अरे निकलो जल्दी, जाओ जाओ, चेक करो चेक करो क्या हुआ है। ये क्या हो गया? अचानक कैसे हो गया? खड़ा क्यों है? हाँ जाके पता करो। हाँ सर मैंने बोला, चेक कर रहे हैं। The number you are trying to call cannot be reached at this moment. तैयार हो जा जेपी, तू चाहे तो मुझसे बात कर सकता है, लेकिन मैं चाहूं तब। कौन है तू? तू जानता नहीं मैं क्या चीज हूं? मैं चाहूं तो तुझे अभी खत्म कर सकता हूं। पहले जो तेरे चैनल बंद हुए उन्हें चालू करने की सोच। तूने एक इंटरव्यू में कहा था तेरा एक दिन 8,008 घंटे जितना है। तू और तेरे 1,000 आदमी भी अगर चाहे तो तेरे चैनल्स को शुरू नहीं कर सकते, ये बात पक्की है। तेरे 8,008 घंटे का काम मैंने सिर्फ 10 मिनट में कर दिया। एक छोटा सा कंप्यूटर कमांड। अब अगले 12 सेकंड्स में तेरे सारे चैनल्स वापस शुरू हो जाएंगे। सर सर ऑन हो गया सर। अरे ये तो ऑन हो गया। तूने देखा ना, अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा। अब तेरे पास सिर्फ 1 घंटा और 58 मिनट का वक्त बचा है। क्या चल रहा है यहां पर? मुझे कोई कुछ बताएगा?
अपलिंग पर कौन था? सर, मैं था सर। ये कैसे हुआ? पता नहीं चला सर, पूरा सिस्टम एक साथ कोलैप्स हो गया सर। बेवकूफ कहीं के, इसीलिए रखा है तुझे। The Great Eagle TV, The Never Sleeping TV, एकदम से सो गया? कोई कमी ना फोन करके बोलता है चैनल ऑफ हो जाएंगे, और ऑफ हो गए। कौन है वो? तुम बताओ कौन है वो? तुम बोलो, तुम कोई तो बताओ। सर, तुम मुझे... लोगों की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। गलती किसकी है मुझे जानना है, और इससे कैसे डील करूंगा ये मैं जानता हूं। सब बाहर जाओ, इंस्पेक्टर रंगास्वामी को फोन लगाओ। ओके सर। गेट आउट। हेलो, पुलिस कमिश्नर ऑफिस। हाँ सर, मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है। हमारे एमडी के फोन पर कोई जो है धमकी दे रहा है। कौन है? हाँ सर, हमें कौन है तू? बहुत टेंशन में तू, बहुत डर रहा है जेपी, मौत का डर। डर? और मुझे? ए, तू गलत आदमी से पंगा ले रहा है। फिर मुझे क्या ढूंढ रहा है? पीछे तेरा पियून पुलिस को फोन लगा रहा है। हाँ सर, हाँ सर। क्यों जेपी, आवाज गुल, डर गया? कहाँ है बे तू? तेरे पास रह के तुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं मुझे। तेरे जैसा बेवकूफ क्या कर सकता, समझ सकता मैं। एक कैलकुलेटेड गैस बस। तेरे इस बिजी दिन से मुझे 2 घंटे चाहिए जेपी। अगले 1 घंटे 50 मिनट में तुझे किन चीजों की जरूरत होगी इसका फैसला मैं लूंगा। अब पुलिस को फोन करके तेरे साथ क्या हो रहा है बताने की जरूरत नहीं जेपी। मैं जानता हूं कि तू टाइम का बहुत पाबंद है, और मुझे भी बहुत काम है। मैं आई कम इन। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? नमस्कार सर। सुना है धमकी मिली, किसी ने हमें फोन पर बताया और यहां आने के लिए कहा। मैंने कोई फोन नहीं किया, उसी ने किया होगा। सर सिर्फ इतना ही नहीं, अब सारा चैनल उसके कंट्रोल में है। जब वो बोलता है कि ऑन हो जाओ तो ऑन हो जाता है, जब बोलता है ऑफ हो जाओ ऑफ हो जाता है। सर पिछले 5 मिनट से हमारे सर की हालत भी खराब है। उसने बोला है कि वो 12 बजे से पहले हमारे सर को जान से मारे। सर मैटर कितना सीरियस है आप तो समझ ही रहे होंगे ना। कुछ नहीं तो सर हमारी जान की खातिर उसे पकड़ लीजिए। मिस्टर जेपी, किस नंबर पर और कितनी बार फोन आया? 3 बार फोन आया है इसी नंबर पर। सुनो सर, ये नंबर कहाँ का है पता करो। यस सर। और जो भी हो उसे उठाओ। ओके सर। फास्ट, क्विक क्विक, जल्दी करो। यस सर। चैनल की शुरुआत से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। वो मुझे चाहिए, चाहिए ही चाहिए। वो सिर्फ एक बार हाथ आ जाए। मिस्टर जेपी कूल, वो जरूर पकड़ा जाएगा। We'll be right back.
यहाँ पर लक्ष्मी कौन है? मलाइका देख तो जरा, तुझे पुलिस ढूंढ रही है। क्या बात है सर? यहाँ लक्ष्मी कौन है? मैं हूँ। पर उन्होंने तो नाम मलिका बताया। दोनों ही मेरे नाम है सर। और ये बच्चा? मेरा है सर। आपके पति का है? कैसे बेकार की बातें कर रहे हैं? अरे ये क्या कह रहे हैं? घर पर कोई मर्द है कि नहीं है? नहीं कोई नहीं है, लेकिन बात क्या है? इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं आप? मैं कौन हूँ जानते हैं? तू कौन है उससे मुझे क्या मतलब है? दिमाग खराब मत कर, चल थाने से पता कर लेंगे। डोंट टच मी। ए चल, ए चल, ले चल इसे। इंस्पेक्टर बहुत गलत कर रहे हैं आप। ए चल इंस्पेक्टर। चुप रह। इंस्पेक्टर हटिए, क्यों घसीट के ले जा रहे मुझे? ईगल टीवी के मालिक को जान से मारने की धमकी दिया इसलिए। किसने बोला आपसे? उन्होंने कंप्लेंट करवाई है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। सुनो, मैं पुरानी टीवी कंपेयर मेट्रो मलिका हूँ। ईगल टीवी के मालिक ने मुझे बहुत सताया है। 7 साल पहले ईगल टीवी में मैंने ज्वाइन किया था। मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा बोलकर मुझे फंसाया। और फिर मेरी इस बच्ची के स्कूल एडमिशन के समय बाप के नाम की जरूरत थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद यहाँ आना बंद कर दिया, फोन भी नहीं करता है। और आज पुलिस भिजवा के मुझे लेने आया है। सर वो पुरानी मेट्रो मलिका है सर, ईगल टीवी MBJP का ही नाम ले रही है। बच्चा भी है सर, न्यूज कन्फर्म। बाकी बताता हूँ, लिख लीजिए। मैं कन्हैया बोल रहा हूँ साहब। हाँ क्या हुआ वहाँ? वृंदावन कॉलोनी में उसकी कोई जान पहचान है ऐसा पूछिए जरा उससे आप। वृंदावन कॉलोनी? एक मिनट मिस्टर JP, वृंदावन कॉलोनी में आपका कोई है क्या? वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? ए, वहाँ क्या कर रहा है तू? सर यहाँ मल्लिका नाम की कोई आपकी रखेल है और उसने यहाँ प्रेस बुलवाई है। प्रेस वाले वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? बिना खबर के तो कोई इतना कुछ छापता नहीं है साहब, मसाला मिला है तो छोड़ेंगे क्या? सब घुमा फिरा के आपके बारे में पूछ रहे हैं। मिस्टर JP, इट्स माय फोन। लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूंगी, उस JP के सारे करतूतों का भांडा फोड़ दूंगी। आप सच बोल रही है, कैसे यकीन करें? ये देखो, ये उसी का फोन है, उसी कमीने का। देखिए देखिए, क्यों रे कमीने? हाँ बच्चे को सरनेम देने के लिए कहा तो तूने पुलिस भेज दिया यहाँ? बेवकूफी मत कर, प्रेस को क्या बता रही है? हाँ हमारे बारे में, हमारे लव स्टोरी के बारे में बता रही हूँ। पहले मीडिया को वहाँ से भेज दे, बाकी हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। सरे आम सबको सब कुछ बता दूंगी, तो उससे जो भी बनता तू कर ले। बेवकूफों की तरह आपकी पुलिस वहाँ क्यों चली गई? मिस्टर JP, पुलिस वाले बेवकूफ हैं या आप? मिस्टर JP, आपका दिया हुआ सेल नंबर मल्लिका के नाम से रजिस्टर्ड है और इसीलिए पुलिस वहाँ गई है। वो मुझे तोपाने की कोशिश कर रहा है। वो कौन है, कहां से है, आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? वो कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप जो बोल रही, JP ने उसे इनकार कर दिया तो क्या करेंगे आप? कोर्ट में घसीट दूंगी, उससे सवाल के ऊपर सवाल पूछूंगी। और अगर मेरे बच्चे का DNA टेस्ट करवा दिया तो सारी सच्चाई दुनिया को पता चल जाएगी। ए, प्रेस को तूने क्यों बुलाया? मैंने ही बुलवाया है। और हाँ, इस नंबर पर मैं रहूंगा कुछ देर तक। ए, कौन है तू? मलिका के फोन से कॉल किया था ना? बात करते रहो, बात करते रहो। क्या चाहिए क्या तुझे? ये सब क्यों कर रहा है तू? हाँ सर। सुनो, वो मल्लिका के घर से ही बात कर रहा है, तुम घर और घर के आसपास की तलाशी लो। ओके सर। कांस्टेबल इधर आओ। ईगल टीवी को छोड़कर बाकी टीवी देख, समझ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ईगल टीवी के ओनर ने इस लड़की को शादी के चक्कर में फंसाया है, ये इनका कहना है। मेट्रो मल्लिका ने कहा कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है और उनका एक बच्चा भी है। ए! JP,
दुनिया में तेरे बारे में खबरें हवाई जहाज से भी तेज सैटेलाइट के जरिए जा रही हैं। तेरे मेरे बीच कोई हिसाब बाकी है? हिसाब जानने का नहीं, हिसाब करने का वक्त है। तू कौन है नहीं जानता, इसलिए अब तक जिंदा है। तेरे किए पाप का फल अब तेरे सामने आ गया है। अगर तूने वार किया तो चीते तुझे फाड़ देंगे। सर, कोई मिला वहाँ? हमने पूरा घर छान मारा सर, और यहाँ पे हमें कोई नहीं मिला। जेपी, वहाँ कोई नहीं है। वो वहीं से बोल रहा है। घर पूरा छान मार। दो मिनट बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो। हे, सुनो, बगल के जंक्शन बॉक्स के पास जाओ। ओके सर। तुझे क्या चाहिए? तेरी जिंदगी। ये बच गया साला। मुझे लगता है वही है सर, दूसरा नंबर से कॉल कर रहा है। इंस्पेक्टर, नंबर ट्रेस करो। नहीं नहीं सर, नहीं सर, रुक जाइए सर, नहीं सर, नहीं सर। क्यों रे? सर, अगर कोई और लड़की हुई तो फिर फंस जाएंगे सर, समझा करो। सर। हेलो जेपी, हम दोनों अभी मिल सकते हैं क्या? ए ए, कहाँ है तू साले? रिलैक्स जेपी, सब बताऊंगा मैं कौन हूँ और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तू जानना चाहता है ना जेपी? कहाँ आना है? अपनी दाहिनी तरफ चलो और बाथरूम का दरवाजा खोलो। नो 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 जेपी, पुलिस नहीं, तू अकेला ही अंदर आएगा, बिल्कुल अकेला। आ गया, अब क्या? तेरे सामने जो आईना है उसे उतार, सोच मत, जो बोलो वही कर। दूसरे नंबर के टाइल को बाहर निकाल। देख, उसके अंदर एक डीवीडी प्लेयर है, उसे ऑन कर। कितना पैसा चाहिए सर? क्या है जेपी, अगर हाथ से हाथ मिला के रखेंगे तो दोनों का काम अच्छा होगा। क्यों चौंक गया ना जेपी? मिनिस्टर को तूने 10 करोड़ में खरीद लिया है ना, लेकिन 100 एकड़ जमीन की कीमत भी तो कुछ कम नहीं है। ये तेरी सबसे बड़ी जायदाद है ना? तुझे कितने पैसे चाहिए? हाँ तो बिजनेसमैन अच्छा है जेपी, लेकिन फोन पर डील नहीं करते। एक काम कर, मेरे ऑफिस आ जा। क्या जेपी, बच्चे को मीठी गोली देके बुला रहा है तू? इससे फायदा तेरा ही होगा। मैं जहां कहूं सिर्फ 5 मिनट में वहां आएगा तू। कोई पुलिस नहीं, कोई साथ में नहीं, सिर्फ अकेला तू। hey, मेरा नाम जेपी है, सोसाइटी में मेरा रुतबा है। तेरे जैसा कोई आलतू फालतू मुझे कहीं भी बुलाएगा और मैं आ जाऊंगा। hey! सर, सर आप ठीक तो है सर? सर गोली कैसे चली सर? डर गया ना जेपी, निशाना तुझ पर नहीं, डीवीडी प्लेयर पर था। मैं समझ गया तू कहाँ है।
अब तू बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। तू मुझे नहीं पकड़ सकता जेपी। अगले 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में मैं जहां तुझे बुलाऊं। अगर लेट हुआ तो ये डीवीडी सारे चैनल्स पर टेलीकास्ट होगा। कम ऑन जेपी, कम ऑन क्विक। सर, जेपी क्या हुआ? सर क्या हुआ सर? कम ऑन जेपी, व्हाट हैपेंड? जेपी, चाबी दे मुझे। क्या बात है जेपी, वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। आजा जेपी, सीधे इसी रास्ते पर चलता जा जेपी। सामने कर दूं? कुछ नहीं हुआ जेपी, सिर्फ टायर की हवा निकाली है, अपनी दाहिनी तरफ चलता जा। बोला तो था कैसे। जेपी पब्लिक को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे ही नीचे की तरफ आ जा। तेरी राइट में जो रोड है उसे क्रॉस कर। अब प्लेटफॉर्म पर आ जा जेपी। लड़खड़ा क्यों राजा? अब लेफ्ट राइट। सर्कस के जोकर कितना लेफ्ट राइट करा रहा है। जेपी, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, अब हम इस जगह पर नहीं मिलेंगे। अगले 5 मिनट में बस डिपो पर आ जा। कैसे आऊंगा, कैसे आऊंगा? दौड़ कर आया तो भी नहीं पहुंच पाएगा। ऑटो? जानता हूँ तू ऑटो में ट्रेवल नहीं करता, इसलिए थोड़ा अलग बंदोबस्त किया है। पता है तू कहाँ खड़ा है? ये तेरे पुराने दोस्त का घर है। लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? सवाल पूछने का समय नहीं है ये। वो अंदर खड़ी कार ऐश कलर की सेलो मुझे बहुत पसंद है। कार का और तेरे ब्लैक कलर का सूट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जेपी। ए, 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 उसकी कीमत का अंदाजा है क्या? पुरानी कार ही तो है, ज्यादा कीमत नहीं होगी। तेरे 5 मिनट में से 1 मिनट कम हो गया। अगर अगले 4 मिनट में तू वहां नहीं पहुंचा तो उसके अगले मिनट तेरी वो डीवीडी हर चैनल पर दिखाई जाएगी। मारने की कोशिश कर रहा है, 5 मिनट में बस डिपो पहुँच जा। बॉस, मैं शहर के दूसरे किनारे पर हूँ, 5 मिनट में कैसे पहुँचू मैं? लेकिन आप फिकर मत कीजिए बॉस, मेरे आदमी 2 मिनट में बस डिपो पहुँच जाएंगे। ठीक है, पर उनसे कह देना कि मुझसे बात ना करें, मैं जिसकी तरफ इशारा करूं उसे तुरंत उठा लेना। पक्का उठा लेंगे, आप बस इशारा कर दीजिए हमको। टाइम का तो पक्का है जेपी, तेरे लेफ्ट में गैप है, देख उस मारुति के बगल में गाड़ी लगा दे।
सेकंड प्लेटफॉर्म पे चढ़ के आ जा। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, इसी तरह चला चल। हाँ ठीक जा रहा है, पढ़ता जा, रुकना बिल्कुल मत। तेरे लेफ्ट में देख, येलो वाली बस को क्रॉस करके राइट साइड के प्लेटफॉर्म पर आ जा। सीधा चला चल, एकदम सीधा। हाँ ठीक इसी तरह से, बिल्कुल सही, रुकना मत, नाक के सीध में चले चल। ऐसे ही चला चल। पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है? कहा था ना सीधे चलना। कहाँ है तू? व्हाइट शर्ट ब्लू जींस में मैं ही खड़ा हूँ, आ जा सीधा। Excuse me, मदद के लिए शुक्रिया, ये मेरा नंबर है, जरूरत पड़ी तो कॉल कर। कहाँ है तू? मुझे तेरा विजिटिंग कार्ड क्यों दिया? बताया था ना पुलिस या फिर कोई भी साथ में नहीं आना चाहिए, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब चल मैं निकल रहा हूँ। नहीं कौन हो तुम लोग? We are from income tax office. हमें ये खबर मिली है कि इस गाड़ी के अंदर काला धन है। बताइए ये गाड़ी किसके नाम पे है? मेरे दोस्त की गाड़ी है। आरसी बुकवी का फ्रेंड के नाम पे है? नहीं मेरे नाम पर है। उनकी कार आपके नाम पर कैसे है? बेच दिया पर ट्रांसफर नहीं किया। अगर गाड़ी बेच दी है तो फिर ये गाड़ी आप क्यों चला रहे हैं? लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये कार ही प्रॉब्लम है मिस्टर जेपी। लेकर आयो? घर से लाया हूँ। किसके घर से? तुम्हारे घर से लाऊंगा क्या? मेरे घर से लाया हूँ। हेलो सर, आवाज नीची रखिए। अभी टीवी पर देखा है कि आपके छोटे बड़े बहुत सारे घर हैं, इसलिए पूछा आप कौन से घर से लेकर आए हैं। इतना पैसा यहाँ लाने का एक साथ क्या मतलब है आपका? ब्यूटी पार्लर खोलने का इरादा था। क्या सर, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसा कुछ कम नहीं है? इतना पैसा क्या घर में रखा हुआ था? हाँ। अच्छा इतना पैसा आपने अपने पास क्यों रखा है? बैंक में जगह कम थी ना इसीलिए। आखिर आप सबको चाहिए क्या? एक्सक्यूज मी, इतने पैसे को डिक्लेयर करने के लिए अकाउंट्स हैं आपके पास? वो सब मेरा ऑडिटर बताएगा। पद्मभूषण,
40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, ये सब तो चलता ही है, अब आप देखें जो ठीक लगे। हाँ, अरे क्या हो जेपी? सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपसे अकेले में बात करनी है। कितने पैसे चाहिए सर? देखो जेपी, ये 200 एकड़ जमीन है, कोई छोटा सौदा नहीं है। इसमें आपको भी भेज दिया। खुशकिस्मत हो, सिर्फ हम लोगों को ही भेजा है। इसे देखने के बावजूद आप चुप बैठे हुए हैं। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? ये अगर बाहर पब्लिक में आ जाता है तो हम दोनों प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जेपी, उसने सिर्फ थोड़ी सी फेरबदल की है, प्रॉब्लम सिर्फ तुमको है। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा तो सिर्फ पैसा ही जाएगा, पर आपका तो पूरा पॉलिटिकल करियर डूब जाएगा। देखो जेपी, एक बात तो मैं कहूंगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है। इस सीडी से मेरे करियर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये बात उसने मुझे साफ साफ बता दी थी। और मुझे मेरे पॉलिटिकल करियर का ध्यान रखना है। क्या मतलब? मतलब ये है कि उसे तुम्हारी जान चाहिए। ओ हो हो, मेरी जान चाहिए तो आपको मेरी फिक्र क्यों होगी? अब मेरी जरूरत कहाँ? माफ करना जेपी, उसने मुझे इसी कंडीशन पे बख्शा है कि मैं तुम्हारी कोई मदद ना करूं। उसने मुझसे जबान मांगी है और मैं जबान दे चुका हूँ, अब वापस कैसे मुकर जाऊँ? ओ, फिर पार्टी बदल ली ना? जिस पार्टी में हूँ उसका वफादार रहना चाहिए ना, इसीलिए। ए, राजनीति दिखाई दी ना? जेपी, राजनीति मेरा काम है। अब जरा सोचो, अगर मेरे पास पद ही नहीं रहेगा तो मैं किस काम का हूँ? मुझे जीने दो और तुम जाओ। जेपी एक बात सुनो, अंधेरे में अगर तीर छोड़ोगे तो वो खुद पे आके लग सकते हैं। कौन है पहले उसका पता करो। क्यों जेपी, एक एक करके सब साथ छोड़ रहे हैं? इसके जैसे हजारों मिनिस्टर खरीद सकता हूँ मैं, समझा क्या? अभी तेरे पास कोई नहीं है जेपी, मौत तेरा पीछा कर रही, तुझे अपनी मौत नजर आ रही है। ए, बहुत बकवास कर ली तूने। शांत जेपी, आज के दिन तेरी हर सांस का हिसाब सिर्फ मेरे पास है। इस दिन को मैं कभी भूलूंगा नहीं, ये मेरी जिंदगी का काला दिन है। मेरे लिए भी जेपी। तेरा दिन अच्छा है क्योंकि तू कौन है ये मैं नहीं जानता। ज्यादा तकलीफ मत उठा जेपी, मरने से पहले तू जान जाएगा कि तेरी मौत किसके हाथों लिखी है और तू क्यों मरने वाला है। तुझे मौत का डर लग रहा है जेपी, तेरी हंसी में डर नजर आ रहा है। डर गया होता तो सेलफोन ऑफ करके कहीं छिप गया होता, समझा? मुझे तू चाहिए, वो भी जिंदा, और उसके बाद मौत तू मुझे नहीं बल्कि मैं तुझे दूंगा। बेस्ट ऑफ लक जेपी। कहाँ है तू? चैनल के ऑफिस में आ रहा बॉस। जल्दी आ जा। बॉस, मेरे आने के 5 मिनट में वो आपके कदमों में होगा। बातें कम कर, जल्दी आ। मिस्टर जेपी, आपकी की सुरक्षा के लिए हम यहाँ तैनात हैं। आप हमें बिना बताए कहाँ चले गए? बोल के जाता तो क्या, उखाड़ लेते। Excuse me, sir. Will you behave yourself properly? मैंने तुमसे सिक्योरिटी मांगी क्या? हमारी ड्यूटी है सर। ड्यूटी उस फोन वाले को पकड़ने में लगाओ, जाओ अभी, जाओ जाओ। ए, चलो। तुम्हें पता है सर, इसका तो मरना ही ठीक है। तुमको प्रॉब्लम हो तो पता होता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। इसने तो कई घर बर्बाद किए। किसी पे शक है आपको? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। छोड़ो, चलते हैं यहाँ से। कांस्टेबल सर, इधर कुछ भी हुआ तो होने के बाद फोन करना, ठीक है? यस सर। सर, पुलिस का यहाँ होना हमारे लिए अच्छा ही है ना? कोई जानबूझकर मेरे काले कामों का पर्दाफाश कर रहा है। पुलिस होगी तो हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, आप क्या करोगे ये तो पता नहीं, पर आपको जो भी करना है वो सिर्फ 1 घंटे में करना होगा सर। देवा, आजा मेरे शेर, आजा। क्या प्रॉब्लम है बॉस? तू आ गया है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चल गुरु, देवा चैनल में आ चुका है, मैं क्या करूं? ठीक 11 बजे घर आ जा। Thank you.
अगर उसे पैसा ही चाहिए था तो वो 50 करोड़ आईटी वालों के हाथ क्यों पकड़वाता? मल्लिका के केस में इज्जत निकालने वाला मिनिस्टर मैटर को ऊपर नहीं लाता, मतलब ये राजनीतिक नहीं लगता बॉस। अगर उसको मारने का इरादा होता आपको तो जब गोली चलाई तभी खेल खत्म कर देता, या फिर बस डिपो के पास वो आपको क्यों बचाता? सोचने की बात है, मामला बड़ा पेचीदा है। एक आदमी 12 बजे का टाइम देता है आपको मारने के लिए, इसका मतलब ये बदला लेने का मामला है और कुछ नहीं। बदला लेना चाहता है, पर कौन है ये? मेरे जाने का वक्त आ गया गुरु, तुमसे बिछड़ जाऊंगी, तुम्हारे चेहरे को याद करते हुए जाऊंगी। तुमने मुझे प्यार के बारे में सिखाया जिसके बारे में मैं अनजान थी। मैं जा रही हूँ गुरु। 12 बजे का टाइम दिया है उसने मारने का, तो 12 बजे ही आएगा क्यों? और ये चीज वो बस 10 बजे बता रहा है फोन करके आपको, और आपके सारे डिटेल्स कलेक्ट कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है। मतलब वो महीनों से मेहनत कर रहा है, सब कुछ एकदम प्लानिंग के साथ, मानो जैसे काल कुंडली मार के बैठा हो। क्या बोला? कुंडली मार के। उसके पहले क्या बोला? काल कुंडली मार के। आज मेरी जिंदगी का काला दिन है। मेरे लिए भी। समझ गया, समझ गया। पिछले हफ्ते इस दिन, पिछले महीने इस दिन, पिछले साल इस दिन, ऐसे 10-12 साल में। बॉस बॉस बॉस, कार में पैसा आपने 6 महीने पहले दिया, मिनिस्टर को पैसा आपने 3 महीने पहले दिया, तो ये बात अब पिछले साल की होनी चाहिए। आज 14 फरवरी है, यानी पिछले साल 14 फरवरी को क्या था? याद आया, वो कंपेयर लड़की प्रिया। हे, करेक्ट है ना? हाँ भाई। बस वो उसका नाम लड़की का क्या? गुरु मूर्ति, 5 मिनट, 5 मिनट में वो यहाँ होना चाहिए। हे, जाओ रे। गुरु, जबरदस्त खेल खेला है। मेरे 25 साल के ख्वाब को, 15 साल की मेहनत को बस 1 घंटे में खत्म करने चला था। ना भूलने वाला दर्द अब तू भी चखेगा। हे गुरु, फर्स्ट हाफ तेरा था, अब सेकंड हाफ मेरा होगा। हमारे पहले प्लान के हिसाब से जेपी चैनल से बाहर नहीं आया। देवा भी आ गया है। 11:10 को मैं चैनल के पास यहां से जेपी को कॉल करूंगा, और उसके बाद देवा और उसके गुंडे मुझे ढूंढने चैनल से बाहर आएंगे। अगर उन्होंने कुछ और डिसाइड कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही रहूंगा। जेपी को यहां से उठाऊंगा। पिछले दरवाजे में सुमो रेडी होनी चाहिए। पुलिस को इन्फॉर्म करना कि देवा और उसके गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। हमें बचा लिया तो? हर 10 मिनट में मेरा कॉल आएगा, और अगर मेरा कॉल नहीं आए तो 45 मिनट बाद वो करना जो मैं बता चुका हूँ। गुरु, हमारे प्लान के मुताबिक उसने रिएक्ट नहीं किया, पुलिस को बाहर भेज दिया था। ये होगा क्या? ये होगा, किसी भी हालत में होगा। सॉरी। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 11:40 को जेपी यहां होगा, 12 बजे कैमरे का बम ब्लास्ट होगा, और तू 12:05 को यहां आ जाना।
इस दुनिया में तुम ही पहले इंसान हो जिसे मैं अपना मानती हूँ गुरु। तुम्हारी वजह से बाकी रिश्ते भी मुझे मिलेंगे, हमारी भी अपनी फैमिली हो गई, ये सोचकर मैं बहुत खुश हूँ गुरु। बेवकूफी मत करो, अकल नहीं है, ईश्वर से बात कराओ। Excuse me? Hi, प्रिया। Hello, sir. Come, प्रिया। अब दर्शन बस टीवी पर ही हो तो? ऐसा नहीं है सर, आप इतने बिजी होते हैं इसलिए। तुम्हारे लिए नहीं, तुम कभी भी आ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए फ्री ही फ्री हूँ।
कहो क्या बात है? सर, अगले महीने मेरी शादी है, आप मेरे वेलविशर हैं, तो आपको पहले बता रही हूँ। जल्दबाजी कर ली तुमने। ईगल टीवी में तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, मैं तुम्हें अपने साथ लाइफ लॉन्ग रखने की सोच रहा था। ईश्वर क्या फैसला किया है, किसके साथ पंगा ले रहे हो जानते हो? चलो फोन रख। तो हम कहाँ थे? लाइफ लॉन्ग आप मुझे मुझे मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। मतलब ईगल टीवी के होस्ट के रूप में क्या फैसला किया? 7 करोड़ ज्यादा है। ठीक है, स्पॉट फिक्स करने के बाद ही कॉल करना, डील आज ही खत्म करनी है। हाँ बोलो प्रिया। डोंट वरी सर, शादी के बाद भी मैं कंपेयरिंग नहीं छोड़ूंगी। शादी के बाद तुम फ्रेश नहीं रहोगी प्रिया? मुझे तुम फ्रेश चाहिए। फ्रेश? हाँ बोलो। 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। I mean, व्यूवर्स का तुम पे जो क्रेज है वो नहीं रहेगा। लड़का कौन है? गुरु सर, वो मेरे कॉस्ट्यूम स्पॉन्सर करते हैं सर। वैसे शादी के पहले क्या तुम एक बार, हाँ देवा 15 मिनट में MGM पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। तुम कहाँ थे? शादी से पहले एक बार क्या गुरु से मिल सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स सर। हेलो प्रिया, ये क्या तुमने चुम्मे का जवाब नहीं दिया? बहुत खुशी हुई मिस्टर गुरु, मैं JP बोल रहा हूँ। शादी होने तक आपकी प्रिया की मुझे और मेरे चैनल को जरूरत है। बिल्कुल सर। थैंक यू मिस्टर गुरु। क्या मैं तुम्हें अभी मिल सकता हूँ? कहाँ पे सर? 15 मिनट में MGM रोड पर। ओके सर। प्रिया मुझे आज तक इतना नर्वस नहीं देखा। जी सर, बिजनेस में कोई टेंशन है? तुम्हारी शादी के बारे में सुना तो नर्वस हो गया। हेलो JP, मैं रोड के सामने की तरफ खड़ा हूँ। ठीक है, माल रेडी है क्या? हाँ। तो क्या मैं कार के पास आ जाऊँ? नहीं, मैं आ रहा हूँ। ओके। तुम अब तक समझी नहीं? नहीं सर। आ जाओ देवा। नहीं समझी? नहीं सर। शादी के पहले सिर्फ एक रात मेरे साथ बिताओ। कैसे इंसान है आप, इतनी घटिया सोच। प्रिया एक मिनट, लेफ्ट से ब्लैक स्कॉर्पियो तेजी से निकलेगी, उसके जाने के बाद ही जाना। क्या हुआ प्रिया, एकदम चौंक गई? मैंने गाड़ी सिर्फ इसी के लिए मंगाई थी। अरे क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट। वो एक एक्सीडेंट था, हम क्या कर सकते हैं? वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बात क्या? बोलो। बाद में बताती हूँ। चलो ठीक है। हाँ वो तुम्हारा MD आने वाला था। नहीं आए। हेलो गुरु, तुमको बुला के मैं कैसे नहीं आता। हेलो सर। बैठो ना, नाइस टू मीट यू। थैंक यू, सेम हियर सर। प्रिया इतनी डल क्यों लग रही है? एक एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, एक आदमी को उड़ा दिया गाड़ी ने। वो प्रिया मैडम थी और बहुत तेज जा रही। मैं डोंबिवली से कन्हैया, मैं शो में हमेशा कॉल करता हूँ। क्या मैडम, कभी हमारे साथ भी चाय पी लिया करो। सॉरी भाई साहब, और किसी दिन। क्या रे, तू बॉडीगार्ड है इसका? क्या बोला तूने? बवाली सर है। ए सर, सर 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 सर। तुम उसे सब बताने वाली थी ना? Let me tell you something. जो आए थे उनको गुरु ने नहीं, बल्कि गुरु को उन्होंने बाहर निकाला है। वो दोनों मेरे ही लोग हैं। Just one second. डरो मत प्रिया।
तुम्हारे पास टाइम है, अच्छे से सोच लेना। गुरु को देखूं तो एक अच्छा इंसान लगता है, तुम किसी भी तरह जाओ वो तुम्हें स्वीकार लेगा। जीवन का मोल कुछ ज्यादा है प्रिया, खुद की जान जाए तो उसका दर्द ज्यादा नहीं होता, पर हमारी वजह से किसी और की जान जाए उसका दुख ज्यादा है। शुरुआत में मैं भी तुम्हारी ही तरह तकलीफ में थी, पर उसने मेरे लवर को मरवा दिया है। मेरी फैमिली की जान की खातिर मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया है। अब उसके कहने से ही मैं यहाँ आई हूँ। उसका मन जिस पे आए उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ईगल टीवी का एमडी बना है अपने खुद के ससुर की जान लेकर। ईगल टीवी के सारे पेपर्स उसकी वाइफ के नाम पर हैं, इसीलिए उसे प्यार करता है। गुरु अगर जिंदा है उसकी वजह है कि तुमने अब तक गुरु को कुछ नहीं बताया। उसकी बात मान लोगी, उसका विश्वास है उसे। प्रिया, आओ ना प्रिया। hey, क्या बात है प्रिया? हा? हमारा तो अपना कोई भी नहीं है, तो फिर क्यों हम अगले महीने तक अपनी शादी के लिए रुके? मतलब आज ही शादी कर ले? हाँ ठीक है, कर लेते हैं ना। hey, मस्ती सूझ रही तुम्हें? हाँ नहीं, चलो रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं, जल्दी से तैयारी करते हैं। मुझ पर कोई शक है तुम्हें? पागलों जैसे बातें मत करो। पर किस बात की जल्दी है? जल्दबाजी नहीं है, मेरी इच्छा है कि जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ ही मिलकर बिताऊं। कल फरवरी 14 है, यानी कि वैलेंटाइंस डे। अगर कल हम दोनों शादी कर लेते हैं तो पूरी दुनिया हमारी शादी का जश्न मनाएगी। सीरियसली बोल रही हो तुम? बिल्कुल, मेरे लिए। ओके फादर, गॉड ब्लेस। थैंक यू। तुमने जो सोचा था वो कर देगा क्यों? बिल्कुल, अक्सर कहा जाता है कि कल करे सो आज कर लो, इसलिए कभी कभी जल्दबाजी अच्छी होती है। ओ बेसब्री, थोड़ा इंतजार तो कर। ओके, कल सवेरे में तुम्हें पिक कर लूंगा यहाँ से, ठीक है? गुरु? हाँ? एक मिनट। हाँ? कल से तो हम हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे ना, कमिटमेंट वाली जिंदगी, तो क्यों ना आज रात हम लोग किसी और तरीके से बिता ले। कैसे बताएं? ऐसा करते हैं, आज की रात तुम्हारे घर पर फ्रेंड्स की तरह बिता कर देखते हैं। आइडिया बुरा तो नहीं है। एक ही घर में रहेंगे। हाँ? एक ही बेडरूम में सोएंगे। बाप रे। एक ही जगह पे ब्रश करेंगे और हाँ? एक ही बाथरूम में नहाएंगे। ओए माँ, ये मामला बहुत ही रिस्की है। ए, वन बाई वन। हाँ? ओ, 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 तुम डर गए हो क्या? नहीं, वो बात ये कि आज तक ऐसे आइडिया मुझे ही आते थे, लेकिन अब तुम्हें भी आने लगे। शरारती कहेंगे। रुको, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। छी, उसकी क्या जरूरत है? ए! ए, अब मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे लिए तो मैंने वैसे ही बहुत सारे कपड़े सिलवा के रखे, तो अब क्या जरूरत है तुम्हें कपड़े लाने? हाँ, अब तुम्हारे कपड़ों पे दोबारा इतने पैसे थोड़ी खर्च करूंगा। कम कम कम, वेलकम। रुको, दाहिना पैर पहले रखो। नो फ्रेंड। फ्रेंड? ओके फ्रेंड, कम फ्रेंड। थैंक यू। सुनो फ्रेंड, शादी से पहले सेक्स के बारे में सोचना गलत है। क्या बोल रही हो फ्रेंड? ओके, इस तरह की बात कर रही हो? बिल्कुल गलत है ये। फ्रेंड, तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, गुरु से पूछ रही हूँ। गुरु भी ऐसी हरकत नहीं करता। उसे नहीं जानते फ्रेंड, वो एक नंबर का बदमाश है। थोड़ा भी मौका मिला ना तो प्ले बॉय बन जाता है। ऐसा क्या? गुरु के बारे में रिसर्च बाद में करना, पहले ये बताओ कि प्रिया इस बारे में क्या सोचती है फ्रेंड? ये प्रिया है ना, पूरी तरह से गुरु की हो चुकी है, वो जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता है, तो इसलिए इसमें शादी के पहले बाद में कोई भी डिफरेंस हो प्रिया भी नहीं मानती है। पर गुरु ऐसा बिल्कुल नहीं है, शादी के पहले तो वो अपनी लंगोट का एकदम पक्का है। ओह,
What? हाँ आया. क्या हुआ सर? यहाँ पर वैश्यवृत्ति का धंधा चल रहा है, हमें खबर मिली. इस घर में क्या? आजकल तो ये सब जगह चल रहा है. सर क्या चाहिए आपको सर? अंदर कौन है? ओ, मेरी मंगेतर है. अच्छा लगा, कुछ तो अलग बोल रहे हो. सबकी तरह तुमने नहीं कहा कि मेरी बीवी अंदर है, थोड़ा कुछ नया बोला है तुमने. सर कल हमारी शादी है. शादी है? तो कार्ड कहाँ है? वो तो हमने घर में कोई रिश्तेदार नजर नहीं आ रहा है. सब कुछ जल्दी में हो. एंगेजमेंट की फोटो है क्या? कोई एविडेंस है तो बताओ. सर मेरा यकीन कीजिए, कल चर्च में हमारी शादी है. ए, तू है? तू तो ईगल टीवी कंपेयर, क्या नाम है तेरा? प्रिया. तुझे पिछली बार जिस्म फरोशी के धंधे में पकड़ा था ना. तेरे तुमको तो जेपी ने रखेल बना के रखा है ना, तो फिर इसके पीछे क्यों जिंदगी बर्बाद कर रही हो? हैं? बोलो सर, आप ही के बारे में बोल रहा था. हाँ उठा लिया उसे. हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक है. तेरे चैनल एमडी जेपी का फोन था, तुझ पे केस नहीं करने को बोला है, उसकी बात मान. क्या है प्रिया? इंस्पेक्टर ने बताया कल तुम शादी कर रही हो. उनको छोड़ दीजिए सर, प्लीज 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 सर, प्लीज छोड़ दीजिए. तुम मान जाओ तो उसको कुछ नहीं होगा. उनको छोड़ दीजिए सर, हम लोग आपस में प्यार करते हैं. तुझे पता है प्रिया, तू अगर आसानी से मान जाती तो शायद मुझे तुझे पाने की तड़प होती ही नहीं. हर एक घंटे में फोन करूंगा, तो जब बोलेगी तब आ जाऊंगा. The great JP पूरी रात तेरा इंतजार करेगा, बिना सोए बस तेरी हाँ के इंतजार में. उसे हाँ कहोगी तो अच्छा रहेगा, वरना चार लोगों के बीच तेरा रेप भी कर सकता है. पर ऐसा कर करके मैं बोर हो गया हूँ, तो खुद ही मान जाना. उसके बाद तो खुशी खुशी गुरु से शादी कर लेना. ओके Thank you.
हेलो रघु, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हे, तू परेशान लग रही है। वो गुरु को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। पुलिस? अरे पर पहले क्यों नहीं बताया? कुछ मजबूरी थी मेरी। तुम पहले पुलिस स्टेशन जाकर गुरु को छुड़वा कर लाओ, फिर 11 बजे चर्च आ जाना, मैं भी तुम लोगों को वहीं मिलूंगी। अभी तुम कहाँ पे हो? तुम कैसे भी गुरु को चर्च में लेकर आओ, आज ही शादी हो जानी चाहिए। जल्दी निकलो, जल्दी करो। प्रिया, प्रिया। जल्दी से चर्च चलिए। वापस चले का? नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, दरवाजा खोलो। गुड मॉर्निंग प्रिया। क्यों इतनी तकलीफ झेल रही हो? तुम्हें जमीन नाम की कोई चीज नहीं है क्या? इसलिए गुरु अब तक जिंदा है। ठीक 10 बजे मैं वहां रहा हूँ, मेरे साथ सोने के लिए तैयार रहना। ठीक 1 घंटे में, उसके बाद मैं खुद ही तुझे चर्च ले जाऊंगा, 12 बजे जैसे तुमने प्लान किया था। वैसे चर्च में आने के लिए उसे जिंदा होना चाहिए, क्यों है ना प्रिया? ए, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे यार सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी शांति तो रख। कैसे शांत रहूं? कोई तो चाहता था कि उसकी शादी मुझसे नहीं हो। वो कौन था कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई उसे टॉर्चर कर रहा था, कोई तो है उसे परेशान कर रहा है। उसने जब मुझसे कहा कि शादी जल्दी करते हैं तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन उसने बात को बदल दिया। मुझे नहीं बताया कि असली परेशानी क्या है। कल भी वो है ना, घर जाने से डर रही थी इसलिए मेरे पास रुकी थी वो। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। अगर उसे कुछ हुआ ना तो। hey, क्यों अनाप शनाप बोलकर अपने दिमाग खराब कर रहा है? फोन पे वो ठीक तरह से बात कर रही थी, वो वहां चर्च में हमारा वेट कर रही होगी। चल के देखते हैं ना। तू यहीं रुक, मैं देख कर आता हूं, कहीं जाना मत। ठीक है, ये फोन रख ले, जल्दी आना। हाँ हाँ। अंदर से बंद कर रखा है तो पीछे से दे। वो नहीं खोल रही है। ए, तो जा पीछे, मैं देखता हूं। ए, हट। ए, दरवाजा खोल ना। अरे खोल ना दरवाजा। चलो वापस चढ़ चलो। वो तो फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। का? हाँ? दरवाजा तोड़ दो। ए, तोड़ दे। क्या हुआ रघु? प्रिया घर पर नहीं है। हाँ? घर पर नहीं है मतलब क्या हुआ इसका? प्रिया, प्रिया, प्रिया। नहीं, 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 नहीं।
चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मर गई। ये लो। सब रेडी है, चलो निकलते हैं। इन्फॉर्मेशन मत दे, रिजल्ट दे। इस शहर में जितने भी पिज्जा शॉप है सब जगह अपने आदमी भेज और वहां पर गुरु नाम के जितने भी लोग हैं सबको उठा ले। हाँ तो दोनों को बोल दो। देवा क्या हुआ बॉस? पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर गुरु बिल्डिंग में घुस आया है। सारे एंट्रेंस सील कर दो, वो बच के बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हेलो, क्यों जेपी, तैरना नहीं आता तो पानी में उतरना मुश्किल है ना? तेरे बगल में जो देवा है ना, उसे शहर से बाहर भेज। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। तेरे लिए यही बेहतर होगा। हेलो, ध्यान से सुन जेपी। आप तो कहाँ हैं? ग्रीन पार्क होटल के लॉबी में, उसे जल्दी भेज। तू अगर वहाँ है तो हमारे सामने कैसे रे? मेरा सबसे महंगा दुश्मन तू ही साबित हुआ। कहा गया साला? कहा गया? लूटो से। पकड़ो पकड़ो इसे। अबे जोर से भागो।
हेलो कमिश्नर ऑफिस से सर, मेरा नाम रघु है, मैं ईगल टीवी में काम करता हूँ। सर लास्ट ईयर जो प्रिया की मौत हुई थी वो सुसाइड नहीं थी, वो एक प्लान्ड मर्डर था सर। उसका खून करने वाला देवा है सर, उसके सारे प्रूफ्स आपके ईमेल पे सेंड कर दिए हैं। सर इसने सबके सामने चेन चुराई है। चेन मिल गई ना तो फिर उसे अंदर डाल दो, कल कोर्ट ले जाएंगे। कोई कमजोर मिल जाता तो छोड़ते नहीं है। हेलो ईगल टीवी का एमडी जेपी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। गुरु नाम के मेरे आदमी को तुमने अरेस्ट किया है क्या? एक मिनट होल्ड करो। अरे इसका नाम क्या है? गुरु है सर। हाँ बोलो। मेरे कुछ लोग आएंगे, साथ में भेज देना इंस्पेक्टर। ये तुम्हारा कोई टीवी चैनल नहीं है मिस्टर जेपी, जहाँ रॉब झाड़ सकते हो, ये पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर मैं आपकी इज्जत करना चाह रहा था। मिस्टर जेपी मेरी काफी इज्जत है, फोन रखो। कौन है रे तू, बोल। चेन चुराने वाले के लिए चैनल से फोन आ रहा है। हेलो नमस्कार, मैं मिनिस्टर घनश्याम बोल रहा हूँ। सर बोलिए सर। गुरु नाम का कोई आदमी तुम्हारे लॉकअप में है, उसे फौरन रिहा करो। सर उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। सर से चेन चुराई है। चुप कर। अब तुम मुझे कानून सिखाओगे क्या? साधारण FIR है, उसके अलावा क्या है? नहीं, जेपी के आदमी आएंगे उसके साथ भेज देना। सर लेकिन बाहर बहुत भीड़ है उसका। ऐसी कितनी भीड़ है, अब क्या हमने भीड़ नहीं देखी है? चेन मिल गई है उसे छोड़ दो, छोटा मामला है, उसे बड़ा करने की क्या जरूरत है? मामला खत्म करके मुझे फोन कर देना। यस सर। तेरे जैसे आदमी के लिए चैनल और सेंट्रल मिनिस्टर से फोन आ रहे हैं, तू साधारण चेन स्नेचर तो नहीं है, कौन है तू? बोलता हूं कितने पैसे चाहिए आपको बताइए। देखो जेपी ये 100 करोड़ का मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको वादा करता हूँ प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको साथ देना होगा। आप जब हाथ मिलाया है तो साथ देंगे। ये सब बाहर नहीं आया इसलिए जेपी ने मुझे मारने के लिए देवा को भेजा। देवा को? हाँ सर, उससे बचने के लिए मैंने बस स्टॉप पर औरतों की चैन झपटी। सुबह से ही डिपार्टमेंट देवा के पीछे है।
कहाँ है भाई? आप कहाँ है भाई? बोल ना। अपने एरिया में पुलिस ने रेड मारा है, आप कहीं छिप जाओ, जाके पुलिस आपको ढूंढ रही है। क्या बोल रहा तू? अपने आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया भाई। सिर्फ मैं बच के भाग निकला। अबे गाड़ी निकाल। हे! जल्दी करो, जल्दी करो। पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। क्या बकवास कर रहा है? सच कह रहा हूँ बॉस, लेकिन आप डरिए नहीं। आप मिनिस्टर को फोन करके पुलिस को थोड़ा दबाइए जरा, और आप चैनल के ऑफिस में मत रहिए, अपनी फैक्ट्री में पहुँचिए। गुरु कहाँ है? आप फैक्ट्री पहुँचिए, वो आ जाएगा वहाँ पर। चलो सब लोग। ए, जल्दी चला भाई। गुरु क्या हुआ? तू तो 10 मिनट में कॉल करने वाला था ना? मुझे पहचान लिया गया। तो प्लान ड्रॉप कर दें? नहीं, हमारे प्लान के मुताबिक देवा के पीछे पुलिस लगी है। मैं जो बोला वही हुआ। हाँ, डीवीडी सब रेडी है। उषा को मिलके 2 मिनट बाद मुझे फोन कर, मैं जहाँ बोलूँ डीवीडी वहीं भेज दे। ठीक है गुरु। कहाँ है वो? आएगा बॉस, थोड़ा सबर कीजिए ना आप। इतने लोग होकर भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाए तुम लोग? ऐसा नहीं है बॉस, आज के दिन के लिए उसने साल भर मेहनत की है। अगर हम थोड़ा हिल गए ना तो गेम पलट जाएगा बॉस। गेम पलट जाएगा? मार देगा मुझे? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है बॉस, उसको हमारी कमजोरी पता है, तो हम भी उसकी कमजोरी पता लगाएंगे और उस पर वार करेंगे। अगर वो असल में आपको 12 बजे तक मारना चाहता है ना, तो वो आएगा और ये सब उसे खत्म कर देंगे। और ऐसा नहीं हुआ ना बॉस, तो मैं उसकी लाश को लेकर खुद आऊंगा 12 बजे। चलो रे। क्यों जेपी, मौत का खौफ लग रहा है ना? तू कितने भी आदमी अपने साथ रख ले, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए, तू भी तो गया था ना मौत के डर से पुलिस स्टेशन में। वो मौत के डर से नहीं, तेरी जान लेने के लिए। मैंने जैसे बोला ठीक 12 बजे। तो फिर आना। आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी अकेले ही मेरी बताई जगह पर आना होगा। तू बोलेगा और मैं आ जाऊंगा। जेपी, अगर तेरे गुंडे चाहें तो भी तू मुझे उनसे बचाते हुए जरूर आएगा, देख लेना। हाँ, देख लेंगे। लेकिन तुझे अकेले मेरे साथ आना होगा। बार बार तू गलती कर रहा है गुरु। अगले 5 मिनट में हमको वहां होना चाहिए। चलें क्या? अब कहां ले जा रहा तू? रघु, अबे छोरे हटा बे, जल्दी कर ना। ओ
चल बैक चल तेरा खेल खत्म हुआ गुरु। तू 12 बजे तक मुझे खत्म करने वाला था ना, अब तो खुद ही देख ले कि कौन खत्म होता है। जेपी, अगर मैं मर भी गया तो भी 12:01 पे तू भी मर जाएगा। यू विल बी ए डेड मैन। तो एक चलते फिरते लाश होगा। तू सुसाइड करना चाहेगा, तेरा कफन तैयार है। क्या बकवास कर रहा है तू? देवा को पुलिस क्यों ढूंढ रही है जानता है तू? नहीं जानता ना? तुम दोनों ने प्रिया का जो कत्ल किया था, प्रिया उसे मरने से पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी। ए! जब पुलिस देवा को डंडों पर लेगी तो ये तेरी सारी पोल खोल देगा। और अब तक ये सच तीसरे शख्स के जरिए दुनिया में फैल चुका होगा। क्या बोला तू? एक तू, एक ये, तो तीसरा कौन है बे? ओशा, जिसकी जिंदगी तूने खराब कर दी है। सॉरी, अब कहाँ है वो? 12 बजे तक तेरी मौत की खबर नहीं पहुंची तो वो तेरे खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठे हैं वो पुलिस और मीडिया के सामने पेश कर देगी और तू एक जिंदा लाश बन जाएगा, अ वॉकिंग डेड मैन। कहाँ है वो इस वक्त? तुझे क्या लगता है मैं बताऊंगा? तू जरूर बोलेगा। गुरु, तू मत बताना गुरु, मर भी गया तो कोई गम नहीं। जेपी, उसको छोड़, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं गुरु, हमारे साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। मुझे खुशी खुशी मरना मंजूर है। खुशी खुशी मरेगा तू तो ये ले, पहले इसे मारूंगा फिर तुझे। नहीं जेपी, उसे कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है। उसे छोड़ दे, मुझे मालूम है डीवीडी कहाँ है। सिर्फ कुछ कोई मालूम है? नहीं, मुझे मालूम है। नहीं, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं शरा नहीं, मैं ही जानता हूँ। देवा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तब तक तुम दोनों ने नहीं बताया तो दोनों मरोगे। 1, 2, 3 सर। दोनों अलग अलग जगह बता रहे हैं। वो दोनों जगहों में से कहीं हो सकती है। पर वो अब कहाँ होगी? पता नहीं, पर वो खुद ही फोन करके बताएगी 11:40 को। फोन करके पता कर वो कहाँ है इस वक्त। अगर उसके पहले मैंने फोन किया तो वो समझ जाएगी कि मैं तेरे कब्जे में हूँ और वो तेरी सारी पोल खोल देंगे। अगर देर किया ना तो हम फंस जाएंगे। तुम इसको लेके जू जाओ, मैं इसको लेके माहिम जाता हूँ। देवा, तू इसको लेके जा, उसको मेरे साथ भेज। ये चल गाड़ी में बैठ। डाने चल बे। ए, अगर तेरी बताई जगह पे वो नहीं मिली तो तुझे वहीं खत्म कर दूंगा, समझा? है कहाँ है पूछ?
उससे ज्यादा पूछा ना तो गोली मार दूंगा। हेलो अबा गाड़ी रोक फोन किया उधर आईसीआईसीआई बैंक से बोल रही हूँ। क्या आपको हाउसिंग लोन चाहिए? नहीं तो ही चाहिए। अगर पास आए तो इसकी गर्दन में फोन दो भाई। फोन दे जाओ निकल लो निकल लो निकल लो। बोल देवा। बस वो यहीं पर है, आप निकल कर तुरंत आ जाओ। आ जाओ चले गए ना? चले गए। देवा जेपी के आने के बाद अगर तू एक शब्द भी ज्यादा बोला तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतर जाएंगी। देवा कहाँ है वो? वो ऊपर है। बस वो ऊपर है, हमारे आदमियों ने उसे बांध के रखा है। आप ऐसा करो कि ऊपर आ जाओ। मुझे कुछ मत करना गुरु, प्लीज प्लीज गुरु प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई बेग ऑफ यू गुरु, मुझे छोड़ दो गुरु, गुरु आई बेग ऑफ यू। हाँ
सुनाई दे रही तुझे उसकी चीख, सुनाई दे रही तुझे, सुनाई दे रही मुझे, सुनाई दे रही उसकी चीख, साल भर से मेरे कानों में उसकी चीख सुनाई दे रही है। कोई नहीं था प्रियंका, तूने तूने मेरी प्रिया मुझसे छीन ली, कितना दिल दुखाऊंगा उसका उस समय, सोचा तूने? तेरी तूने बर्बाद कर दिया। प्लीज गुरु मुझे छोड़ दे, प्लीज गुरु। तूने जो पाप किया उसके लिए तुझे 100 बार मरना चाहिए, एक बार मरने में तुझे उस दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। बस कर दे गुरु, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। आज ही के दिन तेरे हाथों ठीक 12 बजे मारी गई थी मेरी प्रिया। नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, वो खुद ही मर गई गुरु। अगर ऐसा होता तो उसी दिन खत्म करता तुझे। उसने आत्महत्या की सोची 10 बजे और तूने उसकी जान ली 12 बजे। इज्जत चली जाए इससे अच्छा खुदकुशी है, यही सोचकर फांसी के फंदे पर चढ़ी वो, लेकिन तूने उसे फांसी के फंदे से उतार कर मरने भी नहीं दिया। सवार गई मुझे छोड़ दे गुरु, तू जो कहे क्या करूंगा, प्लीज। कुछ भी बोलूं करेगा। तो फिर हंस, जोर से हंस। दूसरों की तकलीफ पे तुझे बहुत हंसी आती है ना? नहीं, मैं सुधर जाऊंगा गुरु, सुधर जाऊंगा। जिंदगी से बहुत प्यार है तुझे, किसी भी कीमत पर तू जीना चाहता है। मैं सच में बदल गया हूँ गुरु, छोड़ दे प्लीज। अगर तू सुधर गया होता तो खुद ही अपने आप को मार देने के लिए कहता। ठीक है, तू जो भी बोलेगा मैं वो करूंगा गुरु, मैं वो करूंगा। तेरी आंखों में मौत का डर देख लिया है, जिंदगी की कीमत को समझ चुका है तू, अब मौत को जानना भी जरूरी है। अगले 7 मिनट में तू मर जाएगा। गुरु, चिल्ला, जोर से चिल्ला, इतनी जोर से कि बाहर मुझे तेरी चीख सुनाई पड़े और मैं अपना इरादा बदल दूं। चिल्ला गुरु, गुरु प्लीज, चिल्ला गुरु, माफ कर दे मुझे। और जोर से चिल्ला, तेरी चीख गुरु। मुझे खत्म करने चला था तू, मुझे खत्म करने? उस लड़की को मैंने ही मारा, बेवकूफ, तुझे मुझे उसी वक्त मार देना चाहिए था, ऐसे काल नक्षत्र के लिए रुकना नहीं चाहिए था। 12 बजे मैं मर जाऊंगा यही कहा था ना? बोल क्या प्लानिंग है तेरी, बोल 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 साले। अभी भी तो मरी रहे जेपी, अपने डर से मर रहा है तू, मैं नहीं तो तेरा डर तुझे खत्म कर देगा। मौत, हाँ मेरी मौत। हे गुरु, तुझे अब तक इसलिए छोड़ा है कि तू जान ले कि तू हार चुका है, पूरी तरह हार चुका है। ठीक 12 बजे मेरी मौत होगी यही कहा था ना? अब घड़ी देख 12:10 हो रहे हैं, क्यों अब क्या हुआ? Thank you.
देवा उस घड़ी का समय ठीक कर। अब वक्त है 11:56:32। तेरे बताए हुए वक्त को अभी 3:28 बचे हैं। तेरा टाइम खत्म होने तक मैं वेट करूंगा। अब बता कौन मरेगा? तू मरेगा कि मैं मरूंगा? मैं मौत के लिए तैयार होकर आया हूं और तू मौत से घबरा कर आया है। यही डर तुझे हरा देगा। ओ बोल बे, उषा कहाँ है? कहाँ है? बोलता है कि नहीं? गुरु, गुरु नहीं। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना प्लीज। नहीं गुरु, देवा। गुरु, गुरु, नहीं गुरु। गोली चला, 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 चला। क्या हुआ? गोली चला, चलाता है कि नहीं? क्या हुआ गुरु? 12 बजने वाले हैं। मुझे मारेगा नहीं तू? ओ, तेरे पास गन नहीं है? ये ले, मारना। ये ले, मारना मुझे। मारता है कि नहीं? ले मार। शूट मी, कम ऑन शूट मी, मारना। बारह बजे मुझे मौत की घाट उतारेगा। तुझे ठीक 12:01 को मारूंगा। आखिरी वक्त पे तू इतनी दूर खड़ा रहेगा?